हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं TNPL के 10th मैच की मैच प्रेडिक्शन, जो कि होगा चेपक सुपर जायल्स और कारीकुडी कलाई के बीच। और ये मैच होगा 17 जुलाई की शाम को 7:15 बजे भारतीय समय अनुसार, और ये मैच खेला जाएगा चेन्नई में। तो आइए, ये जानने से पहले कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों में से कौन सी टीम ये मैच जीतेगी, हम सबसे पहले नज़र डालते हैं दोनों टीमों की बल्लेबाजी के ऊपर और देखते हैं किस टीम की बल्लेबाजी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो सबसे पहले अगर मैं काराकुटी कलाई की बल्लेबाजी के ऊपर नज़र डालूं तो उनके पास श्रीकांत, अनिरुद्धा, एल सूर्यप्रकाश, आर कैल्विन, एम शारजहाँ जैसे बल्लेबाज है दोस्तों। और एम शारजहाँ ने तो पिछले मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की थी। और अगर वही मैं चेपक सुपर जायल्स की बल्लेबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास एस कार्तिक, गोपीनाथ, उथुरास्वामी, शशिदेव, बस्करण जैसे बल्लेबाज है दोस्तों। वही अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ तो मेरा मानना है कि काराकुडी कलाई का पल्ला भारी है बल्लेबाजी में, क्योंकि उनके पास श्रीकांत, अनिरुद्धा जैसे बल्लेबाज हैं और राहुल जैसे बल्लेबाज हैं दोस्तों। तो अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो 60 दूंगा मैं काराकुडी कलाई की बल्लेबाजी को और 40 दूंगा चेपक सुपर जायल्स की बल्लेबाजी को। अब आइए दोनों टीमों की गेंदबाजी पर नज़र डालते हैं और देखते हैं किस टीम की गेंदबाजी ज़्यादा स्ट्रांग है। सबसे पहले अगर मैं चेपक सुपर जायल्स की गेंदबाजी पर नज़र डालूं तो उनके पास मुर्गन अश्विन, एश हरीश, शिवा कुमार जैसे गेंदबाज है दोस्तों। वहीं अगर मैं काराकुडी कलाई की गेंदबाजी पर नज़र डालूं तो उनके पास यो महेश, आर राजकुमार, मोहन प्रशांत, मन बफना जैसे गेंदबाज है दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही काराकुडी कलाई का पल्ला भारी है। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ गेंदबाजी के लिए तो मैं 52 दूंगा काराकुडी कलाई की गेंदबाजी को और 48 दूंगा चेपक सुपर जायल्स की गेंदबाजी को। अब भाई इस पर नज़र डालते हैं कि ये मैच कौन सी टीम जीत सकती है, किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं। तो ये मैच होगा चेन्नई में, और दोनों टीमों की हालिया फॉर्म देख के मैं काराकुडी कलाई को बैक करूंगा ये मैच जीतने के लिए। मेरे हिसाब से काराकुडी कलाई ये मैच जीत जाएगी। और अगर मैं चांसेस की बात करूँ तो 55% चांसेस है काराकुडी कलाई के मैच जीतने के और 45% चांसेस है चेपक सुपर जायल्स के मैच जीतने के। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरी मैच प्रेडिक्शन की वीडियो है इसको मैं 100% सही होने की गारंटी नहीं दे सकता, इसको मैं 90-95% सही होने की गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मैच काराकुडी कलाई नहीं चेपक सुपर जायल्स जीतेगी तो आप चेपक सुपर जायल्स के साथ जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी मैच प्रेडिक्शंस की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो इन दी एंड आपको मैच प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगी। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।